नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और स्वागत करता हूं आप सबका एक नए फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहां पे टीवीएस अपाची 180 ABS के मैट ब्लू कलर के वेरिएंट के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बात मैं बता दूं कि जो स्क्रीन पे आप बाइक देख रहे हैं, ये 2018 मॉडल है। तो सवाल ये उठता है कि हम 2018 मॉडल की वीडियो क्यों बना रहे हैं, हमें 2019 वाले मॉडल की बनानी चाहिए। तो दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि अगर आप एजेंसी में विजिट करेंगे तो आपको दोनों मॉडल दिखेंगे, 2019 भी और 2018 भी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि उन्हें ये 2018 का जो मैट ब्लू कलर का वेरिएंट है उसका रिव्यू चाहिए। तो ये वीडियो आप सबके लिए है। और जो दोनों में चेंजिंग है, वो सिर्फ दो तीन चेंजिंग है। यहाँ पे अपाची का जो लोगो है, 3D लोगो है, इसे हटा के यहाँ पे हॉर्स का आपको 3D लोगो देखने को मिलेगा। नीचे आपको स्लाइडर देखने को मिल जाएंगे लेग गार्ड पे, प्लस कुछ जो है इसमें ग्राफिक्स के चेंजेस हल्के फुल्के देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के जस्ट बाद हम वो वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तो बेल आइकन दबा के रखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हम दिल से अदा करना चाहेंगे वंदना टीवीएस का, जिनकी वजह से हमें इस बाइक का फुटेज मिल पा रहा है और हम एक सटीक जानकारी पहुंचा पा रहे हैं आप तक। तो आप अपने पसंद के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सी, अगर 2019 आपको पसंद है तो वो ले लीजिए, 2018 पसंद है तो वो ले लीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक पसंद आती है। तो चलिए हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट से बात करते हैं। तो फ्रंट में इसका जो टायर है वो आपको मिलेगा 90-90-17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसके फ्रंट डिस्क की, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 270 mm का डिस्क का सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ABS का सपोर्ट मिलेगा, जो कि कवर्ड है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कवर्ड किया गया, लेकिन उसके अंदर आपको ABS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए अब ऊपर आते हैं। तो कंपनी क्लेम करती है कि इसका जो हेडलैम्प है वो पहले से ज़्यादा ब्राइटर कर दिया गया है। तो ये तो अब रात में विजिबिलिटी में पता चलेगा कि इसका ब्राइटर पहले से कितना ज़्यादा बेहतर हो गया है। और दोस्तों, आप हमको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको जो 2019 वेरिएंट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर 2018 वाला वेरिएंट जो कि आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। इन दोनों में कौन सा वेरिएंट आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के बाद हम कंपेयर भी करेंगे इन दोनों बाइक्स का कि दोनों में कौन कौन से चेंजिंग आपको देखने को मिल रही है। बात करें अगर मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ABS इंडिकेटर मिलेगा, फ्यूल इंडिकेटर, सारी चीज़ें लगभग इसमें प्रोवाइड की जाती हैं, इसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई है, टाइम भी इसमें देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इसके हैंडल बार पे आते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंडल बार में यहाँ पे पासिंग बटन, उसके नीचे आपको लो बीम हाई बीम बटन, उसके नीचे आपको साइड इंडिकेटर और उसके नीचे हॉर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ABS स्विच भी आपको दी जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर बार राइट हैंडल बार की बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंजन किल स्विच है और उसके नीचे आपको पावर स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं, अब आते हैं इसके अगर फ्यूल टैंक पे, तो यहाँ पे 12 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, तो वो 165 mm का है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी बेहतर है, नो डाउट। इंजन की बात करें, तो यहाँ पे 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, 177.4 cc का इंजन होगा इसमें। और जो इसकी मैक्स पावर होगी, वो होगी 16.62 PS की पावर 8500 RPM पे। और जिसका मैक्स टॉर्क होगा, वो होगा 15.5 Nm का टॉर्क, वो भी 6500 RPM पे। तो गाइस, आप हमने दोस्त जितने लोग हैं जिस वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास अपाची 180 है, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, उसका माइलेज आपको क्या मिलता है, वो आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे जो वीडियो बनाएं उसमें हम उस माइलेज को मेंशन कर पाएँ। क्योंकि माइलेज एग्जैक्ट बता नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से आप ही लोग पूछते हैं कि इसका माइलेज कितना है, माइलेज कितना है। तो माइलेज तो ऐसे एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता जब तक आप लोग नहीं बताओगे। बात करें अगर साइड इंडिकेटर की, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, हार्ड प्लास्टिक के बनाए गए हैं, तो मे बी कि टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट आप सेफली राइड करोगे, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे टेल लैम्प की, तो यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प देखने को मिलेगा, LED सपोर्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सस्पेंस की बात करें गाइस, तो यहाँ पे जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है, वो आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क विद हाइड्रोलिक डंपर्स देखने को मिलेगा। और जो इसका रियर सस्पेंशन है, वो आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड सॉक्स देखने को मिल जाएगा, मतलब जो सस्पेंस क्वालिटी होगी वो ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी। और गाइस, जो एजेंसी का नंबर यहाँ पे पॉपअप हो रहा है, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट बेहतर होगा, कौन सा नहीं होगा, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो डाउट। और बात करें अगर रियर ब्रेक की, तो यहाँ पे आपको 200 mm का डिस्क का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा।
तो अगर बात करें इस पूरे बाइक की हाइट की, तो वो है 1105 mm की, और जिसका लेंथ है वो है 2085 mm का, और जो इसका ओवरऑल वेट है इस पूरे बाइक का वो है 137 kg का। और यहाँ पे एग्जॉस्ट पे भी RTR का प्रिंट रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। तो ये स्पेशली इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आप इसके मैट ब्लू कलर के वेरियंट को अच्छे से देख लें और देख लें कि ये कितनी खूबसूरत लगती है। और जो इसका व्हाइट कलर का वेरियंट है, जिसका मैंने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी मिल जाएगी। तो आप व्हाइट कलर वाले वेरिएंट को भी देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा दोनों को, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक बहुत अच्छी है। और बहुत सारे लोगों का सवाल है वाइब्रेशन को लेके, कि वो लोग सवाल करते हैं कि इसमें वाइब्रेशन इशू कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गाइस, इसका जवाब ये है कि वाइब्रेशन इशू अभी भी कम नहीं हुआ है, बहुत माइनर चेंज आपको देखने को मिलेगा, यानी वाइब्रेशन पहले से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। बट अगर ये कहे कि पूरी तरह से वाइब्रेशन खत्म हो गया है, तो ये अभी तक RTR सीरीज़ में नहीं हो पाया है। TVS आई थिंक इस पर वर्क कर रही होगी और फ्यूचर में अपडेट ज़रूर करेगी, नो डाउट। तो ये सारी चीज़ें लगभग मैंने इस बाइक के बारे में आपको बता दी। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 93,467 rupees एक्स शोरूम प्रयागराज इलाहाबाद, ये एक शोरूम प्रयागराज इलाहाबाद का प्राइस है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और दोस्तों, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में कुछ नए नए फ्रेश फ्रेश अपडेट्स के साथ। और वीडियो कैसी आई हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।